सत्य खबर देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। अरे चैनल पर आए गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और यह घंटी भी बजा दियो। इस आधुनिक युग में जहां हर कोई भाग दौड़ कर ऐशो आराम और सुख सुविधा चाहता है और हर किसी को अपने वाहनों से अपने गंतव्य पर पहुंचने की जल्दी होती है, जिससे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं रख पाता। लेकिन यमुनानगर के बिलासपुर में डीसीपी के पद पर तैनात आशीष चौधरी लोगों के लिए बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। बता दें कि उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो 18 किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए अपने कार्यालय पहुँच जाते हैं। दिखाई दे रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर साइकिल पर आगे आगे चल रही हैं, उनके पीछे बत्ती लगी हुई है, पुलिस की गाड़ी दौड़ रही है। इनकी इस साइकिलिंग को देखकर जहां युवा प्रभावित होते हैं तो वहीं हर एक को फिट रहने के लिए साइकिलिंग का संदेश भी देते हैं। डीएसपी आशीष चौधरी का कहना है कि साइकिलिंग वैसे तो फिट रखती है, लेकिन आज कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है, इससे इम्यूनिटी भी मजबूत होती है और आप भी फिट रहते हैं। साइकिल अपने आप में सबसे बड़ा लॉजिक तो फिटनेस है, और जैसा कि आपको पता है इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है तो फिटनेस को लेके कुछ इश्यूज़ हैं। हमारा जो जॉब प्रोफाइल है वो काफ़ी आजकल बिजी है, जिसको लेके फिटनेस के लिए जो टाइम है निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी मौका लगे, जैसा कि आज मुझे लगा मौका, तो मैंने तुरंत ऑप्शन अपना साइकिलिंग का कि आज ऑफिस जो है तकरीबन मेरा यहाँ से 17 to 18 किलोमीटर्स है मेरा घर यहाँ से, तो मैं इट वाज अ हेल्दी डिसीजन, मैंने तुरंत डिसीजन लिया और साइकिलिंग का, जिससे कि फिटनेस भी हो गई, एक मैसेज भी है। कोरोना के टाइम में जो लोग मेरे को यहाँ जानते हैं पर्सनली वो देखेंगे मुझे, यूथ में एक मैसेज जाता है। साइकिलिंग और फिटनेस हमको और कई दूसरी चीज़ों से बहुत दूर रखती है, जैसे कि आपका जो आदमी फिटनेस की तरफ चलता है वो नशे से दूर रहेगा, वो स्पाइसेस से दूर रहेगा, वो तली हुई चीज़ों से दूर रहेगा, जो कि कोरोना के टाइम में वैसे भी बैन। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिटनेस से ही हमारे बीच में इम्यूनिटी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल कर दें, अगर आप कोरोना के संपर्क में आ भी जाते हैं तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये अब हमें जान लेना चाहिए कि कोरोना इज़ नाउ गोइंग टू सर्वाइव। कोरोना अब रहेगा किसी भी दूसरी बीमारी की तरह। अच्छा ये है कि हम कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल कर लें कि अगर आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ भी जाते हैं तो आपके जो WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, उसको ओवर पावर कर लें। डीएसपी आशीष चौधरी ने और जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संकट चल रहा है और ऐसे में जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो बड़े ही सोच समझ कर बनाई गई हैं, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग की या बार बार हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करने की बात हो, तो इन सभी का ख्याल हम सबको रखना चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। देखिए MHA की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद निकाली गई हैं, जो हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स हैं ऊपर बैठे हैं। जैसा कि गाइडलाइन में सबसे पहली जो चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना ये कंटेजियस है, छूने से फैलता है, और हमारे जो गाइडलाइंस हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम एक दूसरे से 1.5 से 2 मीटर का आप गैप बना के रखिए। अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं आप अपना मास्क लगा के रखिए। मास्क इसलिए लगा के रखेंगे क्योंकि जो हमारा ये सेंस ऑफ परसेप्शन है ये इकट्ठी हैं, यहाँ नाक है, मुंह है, कान है, और ये सबसे नाजुक चीज़ें होती हैं, आँख हैं, और ये एक जनरल हैबिट होती है आदमी की, मुंह वगैरह वो छूता रहता है। तो अगर आपके कॉन्टैक्ट में कहीं कोरोना वायरस आ जाता है और अगर आपने अपने नाक को, आँख को या मुँह को टच कर लिया तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा एंटर करना आपकी बॉडी में। इसलिए कहा गया है कि मास्क जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाएँ तो मास्क जरूर लगा के रखें, ये आपको कई चीज़ों से बचा के रखेगा। तीसरा जो चीज़ है, आप अपने समय समय पे कम से कम 20 सेकंड के लिए किसी भी साबुन से आपने हाथ धोते रहिए, और अगर पानी और साबुन अवेलेबल ना हो तो आप अपनी जेब में, जैसा कि सैनिटाइज़र है आप देख पा रहे होंगे, आप समय समय पे जब भी आपको समय लगे आप अपने हाथ सैनिटाइज जरूर। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित रॉय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।